सो हे गाइस, तो आज हम देखने जा रहे हैं 20th सेंचुरी वॉइस के एपिसोड नंबर 14 को। और अगर आपने पिछले एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है और हम एक स्कूल को देखते हैं, जहाँ एक लड़की अपने हिस्ट्री प्रोजेक्ट का टॉपिक ब्लडी न्यू ईयर ईव कैंजी फैक्शन को चुनती है और पहुंच जाती है उसी मेमोरियल वाली जगह पर। वहां वो गॉड से मिलती है जो कैंची के मेमोरियल के पास नूडल्स खा रहा था। मतलब काना के अलावा दूसरा आदमी जो यहां आता है वो गॉड था। पूरे रास्ते वो गॉड का पीछा करती है और उससे कैंची के बारे में पूछने लगती है। गॉड उसे अपना ऑटोग्राफ देता है और जाने कहता है, और तभी सभी लोग गॉड का ऑटोग्राफ मांगने लगते हैं। और बाद में लड़की को पता चलता है कि गॉड ही है जो बिलियंस ऑफ यन खर्च करके स्पेस में गया था। लड़की पूछती है कि आखिर वो स्लम्स के बीच में क्या कर रहा है, और हमें पता चलता है कि 10 साल पहले गॉड ने एक आदमी को कहा था, खरीद लो और उसे बेच दो, और मोस्ट लाइकली वो शायद बिटकॉइंस या शेयर्स की बात कर रहा था, जिसके बाद से ही गॉड के पास इतना पैसा है कि वो चाहकर भी उसे खत्म नहीं कर सकता। पर पैसा गॉड को नहीं चाहिए था, उसे जो चाहिए था वो थी बोलिंग। केंजी ने कहा था कि बोलिंग एक बार फिर जरूर फेमस होगी, और उसी तरह केंजी भी अपना रॉक एंड रोल प्ले करना चाहता था। पर केंजी काफी समय से मेरे सपने में नहीं आया है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और सभी लोगों को रास्ते से हटाने लगती है, और वहीं पर पुलिस ओटचो और काकुता को भी देख लेती है। वहाँ पर वो तिल वाला ऑफिसर ओटचो को पहचान लेता है और उनके पीछे पड़ जाता है। अंधेरी गली में वो ऑफिसर एक आदमी को शूट कर देता है, पर वो ओटचो नहीं था। वो अपनी सर्च जारी रखता है। दूसरी तरफ काकुता ये देखकर काफी परेशान हो जाता है और ओटचो उसे यहाँ से अलग होने कहता है, पर काकुता सच्चाई जानना चाहता था। और दूसरी ओर पोइजुमी, वो लड़की भी गॉड से यही पूछती है, और दोनों एक साथ कहते हैं ब्लडी न्यू ईयर की रात को। और हम देखते हैं उस रात को केंजी को अचानक से कुछ याद आता है, और वो पूछता है कि इस रोबोट को बनाते वक्त इसे हमने रिमोट से कंट्रोल करने के बारे में सोचा था या फिर कोई इसके अंदर बैठने वाला था। सभी कहते हैं रिमोट, और केंजी उस लोकेशन को ढूंढते हुए कहीं जाने लगता है। दूसरी ओर ओटचो भी योकिची की बाइक लेकर कहीं चला जाता है। कुकू भी मराओ केंजी का पीछा करते हैं, और योकिची और मून चान ओटचो का। उन्हें याद आता है कि बचपन से ही ये दोनों ऐसे हैं और अभी भी हम इनका पीछा कर रहे हैं। ये सोचकर दोनों हंसने लगते हैं, और मोनचन बताता है कि बचपन से ही हम सभी तुम्हें पसंद करते थे, पर हम में से ये किसी ने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम केंजी को पसंद करती थी। योकिची ये बात नहीं जानती थी। और यहीं पर हमें पता चलता है कि मोनचन बाहर से ठीक जरूर दिख रहा है, पर वो अंदर से काफी बीमार है, पर वो केंजी का साथ देना चाहता था। दोनों हेडक्वार्टर्स पहुंचते हैं, जहां ओटचो ने योकिची को पीछे रहने कहा था ताकि योकिची नेक्स्ट सेंचुरी में सरवाइव कर सके। काना और योकिची उनकी लास्ट होप है, जिस पर योकिची ने कहा था ऐसा नहीं है कि हम हारने वाले हैं, और वो भी उनके साथ अंदर जाती है। काकुता ये जानकर काफी हैरान रह जाता है कि केंजी फैक्शन इविल नहीं थे और असली विलन फ्रेंड है। ओटचो आगे बताता है कि कंट्रोल रूम में पहुंचते ही वो सभी लोगों को शहर में लगे कैमरा से रिकॉर्डिंग देखते हुए हंसते हुए देखती है। ओटचो गन फायर करता है, पर किसी को भी मौत का डर नहीं था, और ओटचो स्क्रीन पर कंट्रोलर की लोकेशन देखकर केंजी को बता देता है। केंजी को इधर से उधर भागते हुए देख लोग हंसने लग जाते हैं, जिस पर मून चैन सभी को धमकी देता है कि जिस आदमी पर वो हंस रहे हैं वो अपनी जान की बाजी लगाकर इस दुनिया को बचाने की कोशिश कर रहा है, अगला हंसने वाला इंसान जिंदा नहीं रहेगा। दूसरी ओर केंजी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में पहुंचता है, और वो देखता है कि वहां तो कुकू भी पहले से मौजूद था। हम उस मास्क वाले आदमी को देखते हैं जो रोबोट कंट्रोल कर रहा था। केंजी फायर करने से मना कर देता है क्योंकि वो काना का बाप था और केंजी की बहन का पति। कुकू भी कहता है सादर कियो तूने ये सब हमसे बदला लेने के लिए किया है ना। केंजी हैरान रह जाता है क्योंकि उसे लगा था कि सादर कियो मर चुका है। कुकू भी कहता है तूने मेरी वाइफ को कल्ट में शामिल किया, मेरे बच्चे हर दिन अपनी मॉम के लिए रोते हैं। मैंने बचपन में तुझसे कहा था कि मैं तेरा दोस्त नहीं हूँ क्योंकि मुझे डर था कि बाकी बच्चे मुझे भी बुली करेंगे। तूने डोंकी को मार दिया, केंजी के सिस्टर को अपने प्यार में फंसाया, और अब इस रोबोट से हजारों लोगों की जान। बस अब बहुत हो चुका। केंजी उसे काफी रोकता है, पर कुकू भी सादाकियो को क्लब में लाया था तो इसलिए कुकू भी कहता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुकू भी उस आदमी के साथ लड़ने लगता है,
और उसका मास्क हटाने की कोशिश करता है, जहां कुकू भी देखता है कि यह आदमी सादा की ओर नहीं था, और कुकू भी उस बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है और केंजी कुछ नहीं कर पाता। केंजी सभी को बताता है कि कुकू भी उस आदमी के साथ नीचे गिर गया। सभी लोग इस बात से काफी दुखी थे, पर अब रोबोट रुक जाएगा। पर नहीं, रोबोट तो अभी भी चल रहा था। किसी को कुछ भी समझ नहीं आता और केंजी गुस्से में मराकुल ट्रक और डायनामाइट लाने कहता है। केंजी का आखिरी प्लान। मोनचैन भी वहां जाने लगता है। सभी हंस रहे थे और ओटो एक एक करके सारी स्क्रीन डिस्ट्रॉय कर देता है और पूछता है कि आखिर वो रोबोट कैसे मूव कर रहा है। और हमें पता चलता है कि रोबोट के अंदर कोई बैठा हुआ है। उनके सामने कोकू भी और उस आदमी की डेड बॉडी थी। वो उसे नहीं देख सकते थे, पर जैसे ही केंजी जाने लगता है तो मराव कहता है कि वो ट्रक ड्राइव करेगा। दोनों कुकूबी का फेवरेट सॉन्ग प्ले करती है और उस जायंट रोबोट की तरफ बढ़ने लगती है। प्रेजेंट में कोइजुमी पूछती है, फिर क्या हुआ? गॉड बताता है कि हमने ट्रांस रिसीवर के थ्रू केंजी के ग्रुप की आवाजें सुनी थी और एक 1970s का सॉन्ग जिसका नाम है 20th सेंचुरी बॉयज। एक बार फिर हम पास्ट में देखते हैं, जहाँ एक आदमी प्राइम मिनिस्टर को ये रिपोर्ट देता है कि लोगों ने शहर से बाहर जाने की कोशिश में सारे रास्ते बंद कर दिए हैं और वो रोबोट हर 5 मिनट्स के इंटरवल में वायरस ब्लास्ट कर रहा था। प्राइम मिनिस्टर के पास US आर्मी थी और इंतजार था तो सिर्फ PM के ऑर्डर देने का, पर प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर देने से हेजिटेट करता है और पूछता है कि केंजी फैक्शन ने क्या डिमांड रखी है। और इसी बीच में एक आदमी एक मैसेज सभी तक पहुंचाता है। उस रोबोट पर रेडियो एक्टिव सिंबल बना हुआ था। सभी को चैन की राहत मिलती है कि अच्छा हुआ कि उन्होंने अटैक के ऑर्डर्स नहीं दिए थे, अब कोई कुछ नहीं कर सकता था। तभी वहां मानजोमे आ जाता है और सभी को फिक्रमंद होने कहता है। सभी पूछते हैं कि आखिर अभी तक वो कहां था। दूसरी तरफ योकीजी और मोनचैन पूछ रहे थे कि आखिर वो तीनों अभी कहां हैं। ओचो बाइक से केंजी और मोनचैन तक पहुँच चुका था, पर उनके पास सिर्फ 3 ही एंटी बैक्टीरियल सूट्स थे, इसलिए ओटचो उन दोनों को आने से मना कर देता है। योकीजी जाने कहती है, पर मोनचैन भी वही कहता है कि योकीजी तुम्हें जिंदा रहना होगा, तुम हमारी आखिरी उम्मीद हो। और योकीजी रोते हुए सभी को कहती है कि अगर तुम सभी जिंदा वापस नहीं आए तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। और मराव हंसने लगता है कि अब तो उन्हें जिंदा वापस जाना ही होगा। और फाइनली वो लोग उस रोबोट के बीच में पहुंच जाते हैं, पर जैसे ही वो उस रोबोट के अंदर देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि रोबोट तो। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, एम करते हैं 150 लाइक्स के लिए। और गाइस, अब से हम कहानी को वॉल्यूम वाइज कवर करेंगे, जिसमें कि हम ज्यादा स्टोरी कवर करेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।